अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इसके लिए हम सबसे पहले दो पैरेलल प्लेट्स सपोज करते हैं, उसके ऊपर दो ऑपोजिट चार्ज हमारे पास मौजूद है। एक के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवाया है और दूसरे के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवाया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पहले से पता है कि वो पॉजिटिव से आएंगी और ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव पर जाके टर्मिनेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब आपको पता है कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ये जो अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है ये इसको रिपेल करवाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो ई होगा और ये चार्ज जो है ये क्यू नॉट ई बन जाएगा। अब ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिससे ये चार्ज डाउनवर्ड मूव करता है और जब ये चार्ज डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अब हम चाहते हैं, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट तब करना है जब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। अगर मुझे इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो मुझे अपवर्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि मैग्नीट्यूड में डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होनी चाहिए। अब मैं अगेन ये दो प्लेट सपोज करता हूँ, अपर प्लेट्स का नाम लेट से बी रख देता हूँ और लोअर का नाम ए रख देता हूँ। ये वही पॉइंट चार्ज यहां पर लेता हूं, लेट से इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स जो वहां लग रही थी वो थी क्यू नॉट ई। इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स यहां लगाते हैं, उसे लिखता हूं एफ ऑफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों मैग्नीट्यूड में अगर बराबर होंगी तो यहां पर जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जारी बात है इस चार्ज को जब मैं अपवर्ड मूव करवाऊंगा तो मुझे कुछ फोर्स भी लगानी पड़ेगी और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगा, तो हम कहेंगे ये वो वर्क डन है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को जो अपवर्ड ले जाने में हमने लगाया फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट। इस वक्त मैंने इस पॉइंट को इन्फिनिट पॉइंट कंसिडर किया और ये मेरे पास डैट पॉइंट। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैं अपवर्ड जा रहा हूं तो मैंने क्या लिखा है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कब? जब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में था तब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया। अब जब मैं इसको अपवर्ड मूव करवाता हूं तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी गेन होती, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये तो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? फर्क सिर्फ ये आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करेंगे तो हम इस पॉइंट को फिक्स कर देंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, इन्फिनिट की जगह ए पॉइंट फिक्स कर देंगे और डैट पॉइंट की जगह क्या लिख देंगे, बी पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वाइल कीपिंग चार्ज इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैथमेटिकली हम यूं लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी मस्ट बी इक्वल टू वी ए फाइनल माइनस वी बी, मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन अलोंग पॉइंट ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये वो टेस्ट चार्ज है वर्क डन जो हमने किया इसके ऊपर इसको मूव करवाने के लिए। तो ये यहां पे आप बी की जगह इन्फिनिट पुट करना चाहें तो इन्फिनिट पुट करवा दें, तो ये आपके पास डेल्टा वी का जो न्यू रिलेशन आएगा मस्ट बी इक्वल टू वी ए माइनस वी इन्फिनिट डब्ल्यू इन्फिनिट बी
डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। मजीद रीअरेंज करवाएं, इसको जनरल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल के नाम से भी आप इसको लिख सकते हैं। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे हम इसके यूनिट की अब बात कर लेते हैं, वर्क डन का यूनिट जाउल और चार्ज का यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम यूनिट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जाउल पर कूलम। इसको वोल्ट भी कहते हैं, इसको वोल्ट भी आप लिख सकते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स इज सेट टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन एंड 1 कूलम चार्ज पासेस थ्रू दीज प्लेट्स, देन वी सेट टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज प्लेट्स आर 1 वोल्ट। 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 2 प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब कह सकते हैं जब उनमें 1 जूल वर्क किया जाए और 1 कूलम चार्ज पास। तो ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप गौर से इन दोनों को देखें, इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1.0 हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ए पॉइंट को 0 कर दिया तो ये मैंने इसको एब्सोल्यूट का नाम दे दिया, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें दोनों पॉइंट्स मौजूद रहते हैं, कोई भी आपके पास 0 नहीं होता। अब यहां पे आपके पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ली। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, किस वजह से कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से कैलकुलेट करना। अब यहां पे देखें, आप यहां पर फिर वर्क डन ही कैलकुलेट करेंगे, तो हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। W मस्ट बी इक्वल टू F डॉट D, ये वाला वर्क डन, ये जो हमें इस चार्ज को अपर प्लेट की तरफ ले जाने में लगे। अगर आप गौर से देखें तो मैं जैसे डॉट को रिमूव करवाऊंगा तो कोई एंगल आएगा, लेट्स से cos ऑफ थीटा आ गया। अब आप देखें यहां एंगल कितना बनेगा, चार्ज खुद से तो डाउनवर्ड आ रहा था लेकिन हमने इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड लगाई, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो आपके पास होगा 180 डिग्री, एफ ऑफ डी कॉस 180 डिग्री। ये क्या चीज है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ ऑफ ई, और ये क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसको आप आर लिखना चाहें तो डेल्टा आर भी लिख सकते। कॉस 180 की वैल्यू पुट करते हैं वो आपके पास क्या होती है, -1 होती है। और एफ ऑफ ई की वैल्यू लिखे, ये देखें यहां पे मैंने लिखी हुई है क्यू नॉट ई और साथ में आपके पास डेल्टा आर इंटू -1। तो ये वर्क डन आपके पास किसके बराबर था, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था। अब यहां से वर्क डन की ये वैल्यू आ गई क्यू नॉट ई डेल्टा आर। देखें इसको रीअरेंज करवा ले, ई की अगर मैं वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूं तो ये देखें W डिवाइडेड बाय क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा आर और साथ में ये माइनस का साइन। अब ये क्या चीज है, ये पोटेंशियल, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये जो नेगेटिव का साइन है, दोबारा बता देता हूं, ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करवा, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट ग्रेडियंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन आ गया। अगर आप यहां भी इसका यूनिट देखें तो पोटेंशियल का यूनिट जाउल
पर कूलम, और ये आपके पास डेल्टा आर डिस्टेंस का यूनिट आपके पास मीटर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करें तो ये अगेन न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर ही आएगा। अब इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है 12.1, लिखा हुआ है द पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। 12.1 शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, द पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, डज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो आर नॉट। अब आप गौर से इस एक्सप्रेशन को यूज करें, अगर ये डेल्टा वी ही कांस्टेंट है तो मतलब जीरो है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिमिलरली आप 12.2 शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो वहां लिखा हुआ है सपोज दैट यू फॉलोड एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। कहता है ये कोई भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। कहता है सपोज दैट यू फॉलोड एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये मैंने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइन ड्रा कर दी। कहता है डज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया, और लास्ट में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी आपके सामने लिखा था। इन दोनों को आप देखते हुए देख सकते हैं ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो ये आपके पास 12.1 और 12.2 शॉर्ट क्वेश्चन भी यहीं पर सॉल्व हो जाते हैं। थैंक्स, अल्लाह।